वदन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमतराक्षशान्तकं सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्य मध्यमाम् बंधु सीताराम पद जिनहि परम प्रियं एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास एक राम घनश्याम हित चालक तुलसीदास बंधु श्री तुलसी के चरण जिनकी नो जग काज कलि समुद्र पूरत लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज बोलिए श्री सीतानाथ भगवान की प्रिय विद्यानाथ भगवान की हनुमान जी महाराज की सब संतन की सब भक्तन की जय जय सीता श्री राम जय
मिथिला बन जाएगा। जनकपुर वासियों का मन पवित्र है, उनके विचार पवित्र हैं, उनकी रहनी सहनी अद्वितीय है। इसलिए तुलसीदास जी को कहना पड़ा कि जितने भी हैं वहां नर नारी सब संत हैं। पूर नर नारी सुभग सुचि संता धर्म शील ज्ञानी गुणवंता। विचारों से संत बन जाओ, अच्छी सोच आपकी हो जाए तो आप सब साधु कहलाओगे। कहते नहीं साहब, हमारे गांव में वो व्यक्ति रहता है देखने में नहीं है साधु, लेकिन विचारों में इतना अच्छा साधु है कि उसकी विचारधारा से बड़े बड़े संत प्रभावित हैं। एक आम भाषा में लोग कह देते हैं ना कि बड़े बड़े संत उसकी प्रशंसा करते हैं, बड़े बड़े संत उसको हृदय से स्वीकार करते हैं कि हमारे गांव का वो इतना सुंदर विचारधारा वाला व्यक्ति है कि सारा समाज उसे साधु कहता है। साधु मानी एक विचारधारा, पवित्र विचारधारा। लेकिन एक प्रश्न खड़ा हो गया, जरा इस पर थोड़ा विचार किया जाए। आप किसान बंधु बैठे हो, बहुत अच्छा कार्य आपने किया कि मंदिर का दिव्य निर्माण करा दिया, ठाकुर जी भी विराजमान हो गए। निश्चित रूप से किसानों ने अपने श्रम की कमाई से जो भी दशांश दिया अथवा जितना जिसके मन में पड़ा वो दान अनुदान दे करके एक भव्य मंदिर का निर्माण कर दिया, भगवान की प्रतिष्ठा भी हो गई और आज भगवान का विवाह हो रहा है। ये बहुत ही सुंदर कार्य हो रहा है। लेकिन किसान हमेशा भगवान से एक ही प्रार्थना करता है कि पर्याप्त वर्षा देना, पानी पर्याप्त होना चाहिए। क्यों? सबकी धारणा यही रहती है। क्यों? अगर पर्याप्त पानी किसान को मिल जाएगा तो खेती अच्छी होगी, और खेती अच्छी होगी तो सम्मेलन में मुक्त हस्त से दान भी करेगा, यज्ञ में भी दान करेगा, मठ मंदिरों के निर्माण में दान करेगा, साधु संत गांव में आ जाएं तो उनको दान देगा। जब पैसा होगा खेती से पैदा होगा तब ना दान करोगे, और जब पैदा ही नहीं होगा तो क्या दान करोगे, बैठे बैठे रोओगे। कोई साधु आ जाएगा तो कहोगे महाराज अब दूरी से दंडवत स्वीकार कर लो, कुछ है नहीं, हमसे मत कहलो आओ आप। सीधी सी बात, भगवान से किसान प्रार्थना करता है, चाहे केसरी सरकार हो और चाहे दिव्य राघव सरकार विराजमान है, सीताराम जी उनसे यही तो प्रार्थना आप करते कि पर्याप्त जल हो, पर्याप्त पानी मिले खेती को। लेकिन जनकपुर धाम में धार्मिक कार्य होते हैं और अनादिकाल से यही परंपरा रही हुआ कि आज भी कलिकाल में भी सबसे ज्यादा धार्मिक कार्य जनकपुर में होते हैं। कलिकाल में घोर कलिकाल, वहां साधु संतों का विशेष सम्मान होता है। मेरी तो 9 दिन कथा हुई जानकी महल में, श्री महंत राम तपेश्वरदास जी महाराज ने 9 दिन की 9 दिवसीय राम कथा मेरी कराई थी। बिल्कुल जानकी महल के बगल में एक बड़ा लंबा चौड़ा सत्संग भवन बना है, उसके उद्घाटन में ही मेरी कथा हुई थी वहां मिथिला में। मैं 9 दिन तक रहा था वहां। वहां का वातावरण मैंने देखा कि घोर कलिकाल में भी आज इतना पवित्र वातावरण है मिथिला का कि जितना सम्मान, मेरे साथ में जो संत गए थे और भी संत आए थे, जितना मिथिला वासियों ने संतों का सम्मान मिथिला में किया, मैं हृदय से इस बात को कह रहा हूं पूरा भारत घूमा हूं इतना सम्मान कहीं भी नहीं मिला है जितना मिथिला में मिला है। आज भी वहां प्रेम देखने को मिला है। मैं तो भ्रमण भी करता था, यत्र तत्र सर्वत्र सर्वत्र उन स्थलों पर जाता था जहां पर ये सभी वैदिक कार्य, भगवान का पाणि ग्रहण स्थल, भगवान ने कहां पर अमराई में निवास किया, भगवान ने कहां कहां भ्रमण किया मिथिला में, वो सारे पॉइंट सारे स्थल मैंने 9 दिन तक रहा, मैंने देखे। वास्तव में वो कलिकाल तो है और आज वो नेपाल में चला गया जनकपुर,
लेकिन भोर कलिकाल और नेपाल इन सबको छोड़ो, मैं कहता हूँ कि अगर अंतःकरण पवित्र है आपका और पवित्र दृष्टिकोण से आप मिथिला में जाकर देखेंगे तो आपको कलिकाल में त्रेता का दर्शन हो जाएगा। आज भी मिथिला में वो विशेषता है मिथिला की। लेकिन मिथिला वाले एक दिन रोने लगे, मिथिला वाले रोने लगे, अबाल वृद्ध नर नारी सब महाराज श्री जनक के चरण पकड़ लिए, कहे महाराज अब भूखों मरने की नौबत आ गई। क्यों, क्या बात है? का अकाल पड़ गया, पानी नहीं बरस रहा है, अकाल पड़ गया है, पानी नहीं बरस रहा है, पानी नहीं बरसेगा तो फिर अच्छा धान की खेती होती है, धान को सबसे ज्यादा किसकी जरूरत है बोलो? पानी की जरूरत है, धान को सबसे ज्यादा पानी की जरूरत है। कहे महाराज अकाल पड़ गया है, पानी नहीं बरस रहा है, सब भूखों मर जाएंगे। लेकिन अफसोस इस बात का है कि आप जैसा धार्मिक राजा संसार में दूसरा कोई है ही नहीं। जनक जी महाराज कैसा धार्मिक, विचार करना। लेकिन धार्मिक राजा के राज्य में वर्षा का अभाव, ये अफसोस की बात है। मैं एक बात आपसे पूछ रहा हूं, धार्मिक राजा के राज्य में बादल क्यों नहीं पानी दे रहे हैं? आखिर कौन सी गलती हो गई है राजा जनक से कि बादल रूठ गए? क्यों भाई? रामचंद्र के राज में तो मांगहि वारिद देह जले, रामचंद्र के राज, भगवान राम के राज्य में जब भी अयोध्या वासी जल मांगते थे बोलो मिलता था कि नहीं मिलता था? तो मैं एक बात कहता हूं, इतने ताकतवर हैं महाराज श्री जनक की राम जी को बुला लिया बिना निमंत्रण के मिथिला में, बोलो बुला लिया कि नहीं बिना निमंत्रण के? जब बिना निमंत्रण के मिथिला में महाराज श्री जनक ने अपनी उपासना के बल पर, अपनी श्रद्धा भक्ति के बल पर बुला लिया, तो ये मेघ जो है पानी नहीं दे रहे हैं साहब, कारण क्या है? आप कहो यज्ञ होता है तो पानी बरसता है, यज्ञ भी होते हैं वहां, रोज यज्ञ होते हैं, ऐसा कोई दिन जाते ही नहीं जिस दिन होमात्मक यज्ञ ज्ञानात्मक यज्ञ ना हो। जैसे यहाँ तुम तीन दिन सत्संग कराते हो वहां नित्य ही सत्संग होता है, यहाँ तुम वर्ष में एक आध दो बार या वर्ष में दो चार साल में यज्ञ करा लेते हो होमात्मक यज्ञ, वहां तो प्रतिदिन होता है यज्ञ, सब कुछ होता है, लेकिन जल नहीं बरस रहा है। जल कब बरसा है? जब श्री जानकी जी आई तब जल बरसा है, जब सीता जी आई तब जल। इस बात को मान रहे हो ना? हाँ सब लोग कह रहे मान रहे। कारण क्या है? हमारे देश में कृषि की प्रधानता है, कृषि निरावय चतुर किसाना, जिम बुद्ध तजे मोह मद माना, कृषि प्रधान देश है। लेकिन केवल अगर कृषि प्रधान देश ही मानते रहोगे तो काम बनने वाला नहीं होगा। हमारे यहाँ जुगल उपासना है, बोलो भाई है कि नहीं? केवल अकेले कृषि प्रधान देश कहते रहोगे तो काम चलने वाला नहीं है। प्रिय भक्तों श्रद्धालुओं, अगर कृषि प्रधान देश में रहने वाले किसान जब तक भारत को कृषि के साथ ऋषि प्रधानता से नहीं जोड़ेंगे तब तक अधूरापन रहेगा, काम बनने वाला नहीं है। इसलिए भारत कृषि प्रधान भी है और भारत ऋषि प्रधान भी है। अच्छा बोलो ऋषियों की कमी है भारत में? जहां निगाह डालो वहां खेती ही खेती, बोलो भाई। और मैं सही कह रहा हूं आपसे, अगर आप भक्त हैं आपकी दृष्टि जाएगी तो कोई ना कोई साधु मिल जाएगा आपको, दिखाई दे जाएगा साधु, दे जाएगा कि नहीं? भले ही सामान्य ही साधु क्यों ना हो लेकिन भेष साधु का दर्शन हो जाएगा, भेष भगवान का दर्शन होगा कि नहीं होगा? भले ही साधारण साधु हो, बिल्कुल सामान्य हो, लेकिन भेष से भेष भगवान का दर्शन हो जाएगा। सबसे ज्यादा साधु भारत में, भारत ऋषि प्रधान देश है, और दो संस्कृति हमारे यहाँ, कृषि संस्कृति और ऋषि संस्कृति, बोलो है कि नहीं? और चाहे खंड दर्शन में मैं कहता हूं हमारे यहाँ छह दर्शन हैं, अलग अलग मत हैं, लेकिन सत्य तो यह है कि भैया कोई भी किसी से गांव में मिलता है, आप पूरे भारत में चले जाओ तो निश्चित रूप से सब राम राम करते हैं। बोलो क्या करते हैं? राम राम करते हैं। वृंदावन की घटना हम आपको सुना रहे हैं, वृंदावन में
एक महात्मा शरीर छोड़ने लगे, वो महात्मा राधे 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 हमेशा कहते थे, लेकिन जब शरीर छोड़ने लगे तो आसपास बैठे बैठे लोग कहने लगे राम राम कहो जल्दी, मरने वाले हो, राम राम कहो, राम राम। मरते समय यही कहा राम राम कहो, समझ में बात आई कि नहीं? तो बिना सीता राम के काम चलने वाला नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि भारत अगर कृषि प्रधान देश है तो भारत ऋषि प्रधान देश भी है। कृषि संस्कृति क्योंकि पृथ्वी से प्रकट हुई है भगवती श्री जानकी जी सीता जी, और यज्ञ से प्रकट हुए हैं प्रभु राम। तो यज्ञ कराया ऋषियों ने और खेती की है किसानों ने, महाराज श्री जनक स्वयं किसान बनकर के खेती कर रहे हैं। तो सीधी सी बात यह है कि कृषि संस्कृति है श्री सीता जी और ऋषि संस्कृति है भगवान राम। इसलिए बोलिए श्री सीता राम नाम भगवान की। तो कृषि संस्कृति सीता जी है और ऋषि संस्कृति कौन है? प्रभु राम है। बोलो है कि नहीं? राम के बिना सीता अधूरी है और सीता के बिना राम अधूरे हैं। कृषि के बिना ऋषि अधूरा है और ऋषि के बिना कृषि अधूरी है। इसलिए कृषि और ऋषि का समन्वय है प्यारे। तो महाराज श्री जनक परेशान थे, समस्त ऋषियों ने आकर के एक सुझाव दिया। क्या सुझाव दिया? कि आपके यहाँ यज्ञ हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। आपके यहाँ संत आके सत्संग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। धार्मिक वातावरण है, बहुत अच्छी बात। लेकिन एक प्रार्थना कर रहे हैं राजा साहब आपसे। क्या? कि जितने भी आपके नगर के अबाल वृद्ध नर नारी हैं सब संत हो गए, वो तो ठीक है, पूर्ण नर नार सुभग सुखी संता। लेकिन संत बनने का ये अर्थ नहीं है कि मेहनत करना बंद कर दो। सीधी सी बात है, चाहे कोई संत हो चाहे सामान्य हो, उसे अपने जीवन में श्रम को स्वीकार करना चाहिए। श्रम चाहे संत हो चाहे सामान्य हो, सबके लिए मैं कह रहा हूं श्रम। यदि श्रमजीवी व्यक्ति होगा तो निश्चित रूप से हर समस्या का समाधान उसके जीवन में होगा। और अगर मैं कहता हूं पानी ऊपर से नहीं बरसता है, तो श्रम करने वाला किसान धरती खोद के पानी निकालता है। बोलो निकालता है कि नहीं निकालता है? वो यदि श्रम करने वाला किसान है तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं 10 किलोमीटर से भी पानी मेहनत के द्वारा लाता है, लेकिन खेती करके वो बताता है। बोलो बताता है कि नहीं बताता है? और खेती भी श्रम करने वाले किसान से प्रसन्न हो जाती है और कहीं ना कहीं उस किसान के अभाव की पूर्ति वो खेती कर देती है। बोलो कर देती कि नहीं? बस खेती को प्रसन्न करना है, कृषि को प्रसन्न करना है, और कृषि तब प्रसन्न होगी जब किसान श्रम करेगा। किसान जब श्रम करेगा तो निश्चित है कि खेती प्रसन्न होगी। और मैं एक बात कहता हूं, किसान जब श्रम करेगा तो सीता जी प्रसन्न हो जाएंगी, क्योंकि कृषि का अर्थ है श्री जानकी जी से। सीता जी प्रसन्न हो जाएंगी। और मैं सत्य कहता हूँ, जब महात्मा अपने जीवन में श्रम करेगा तो किसान और संत जब दोनों श्रम कर लेंगे तो समाज में सीताराम प्रसन्न हो जाएंगे। और सीताराम जब प्रसन्न हो जाएंगे तो किसी भी प्रकार का अभाव न ऋषि परंपरा में होगा और न कृषि परंपरा में होगा। इसलिए मेरी प्रार्थना है संतों से कि अपने जीवन को श्रम से जरूर जोड़ो, आलसी प्रमादी जीवन नहीं होना चाहिए। और किसानों के लिए मेरा आदेश है विशेष रूप से, क्योंकि किसानों को हम आदेश दे सकते हैं, साधुओं से निवेदन कर सकते हैं। और हमारी बात केवल मात्र ये मत सोचना कि खाली केशरी सरकार हनुमान जी के प्रांगण तक सीमित है। ये हमारा संदेश जो है सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे विश्व में जा रहा है, समझ गए हो कि नहीं? ये हमारा जो संदेश है हर मंच का पूरे विश्व में जाता है, सब उसको सुनते हैं। और सुन करके लोग तमाम प्रकार का अध्ययन भी करते हैं, तमाम प्रकार की समस्याओं का समाधान ले लेते हैं, तमाम प्रकार के हमारे पास संदेश आते रहते हैं दूरभाष के माध्यम से कि आपके अमुक स्थान के प्रवचन के द्वारा हमें ये समाधान मिल गया, अमुक शहर में आपने प्रवचन किया ये समाधान मिल गया, केसरी सरकार हनुमान जी पर आपने अमुक तारीख में जो बात कही थी हमें ये समाधान मिल गया। तो समाधान सोशल मीडिया से पूरे विश्व में जा रहा है।
ये केवल यहाँ तक सीमित नहीं है कि इतने परिसर तक मात्र सीमित हो, ऐसा नहीं है, ये पूरे विश्व में संदेश जा रहा है। इसलिए ध्यान पूर्वक सुनना, समझने की कोशिश करना। ऋषियों ने कहा, महात्माओं ने कहा कि महाराज आपसे एक प्रार्थना है। क्या? आपके यहाँ यज्ञ हो रहा है ये तो ठीक है, लेकिन श्रम का अभाव है, यहाँ के लोग श्रम नहीं कर रहे हैं। श्रम समझ गए हो कि नहीं? बुद्धिजीवी तो हैं, लेकिन श्रमजीवी नहीं है, श्रम का अभाव है। इसलिए अगर समस्या का समाधान चाहिए तो थोड़ा सा श्रम से जोड़ो। तो जनक जी ने कहा, संदेश दिया कि जनकपुर वासियों, सबको श्रम करना है, सब श्रमजीवी बने। महात्माओं ने कहा, रुक जाओ, एक मिनट रुको, राजा जैसा करेगा प्रजा वैसा ही करेगी। एक बात सुन लीजिए, राजा जैसा करेगा प्रजा वैसे ही करेगी। अगर हम प्रवचन देने वाले हैं, अगर हम उपदेश दें और उपदेश का उपदेश पर हम खुद ना चलें और जनता को उपदेश दें, तो बोलो प्रभावित होगी जनता क्या, या कोई प्रभाव पड़ेगा? तत्काल घंटे दो घंटे के लिए आप प्रभावित हो जाएंगे, लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूँ स्थायी प्रभाव नहीं पड़ेगा। और यदि हम स्वयं उपदेश दे रहे हैं, उस उपदेश के अनुसार चल के बताना शुरू कर देंगे, तो पहला ही शब्द प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का आधार बन जाएगा और उसकी हर समस्या का समाधान बन जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि जो कहा जाए उस पर चला जाए, उस पर चला जाए। तो ऋषियों ने कहा, रुको महाराज, एक निवेदन कर रहा हूं और सुन लो। क्या? अभी मिथिला वासियों से मत कहो, मिथिला वासी तो अपने आप ही समाधान ले लेंगे, फिर करना क्या पड़ेगा? आप स्वयं शुरुआत करें। आप राजा हैं, जैसा राजा करेगा वैसे ही प्रजा करेगी। आप स्वयं शुरुआत करें, और यदि आपके द्वारा श्रम की शुरुआत हो जाएगी तो जितने भी राज्य के नागरिक हैं वो सभी अपने आप श्रम को स्वीकार कर लेंगे। प्रसंग से हटके एक 5 मिनट की बात है, जरा सुन लेना इसको और इससे अनुभव कर लेना। भगवान राम ने जब अयोध्या छोड़ी, चलिए भगवान चित्रकूट पहुंच गए, लेकिन भरत जी जब राम जी को मनाने के लिए जा रहे थे तो उन्होंने किसी से भी ये नहीं कहा था कि आप सब पैदल चलें, किसी से नहीं कहा भरत जी ने। ये प्रसंग नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक 2 मिनट की बात कह रहा हूं, क्योंकि हम कह रहे हैं, कहने वाली बात अलग है। यदि हम कह रहे हैं, इसके पहले अगर हमने कहे हुए शब्दों पर चल के बताया होगा, अपने जीवन से उस परंपरा को जोड़ा होगा, तो निश्चित रूप से जो हम कहेंगे वो परिवर्तन होगा, सुनने वालों में अवश्य परिवर्तन होगा, इसमें जरा भी शंका नहीं। भरत जी महाराज ने किसी से नहीं कहा था कि सब पैदल चलो, लेकिन भरत जी स्वयं पैदल चले थे। देखो, पैदल चले थे, आप कहो प्रमाण क्या है? गौने भरत, गवने भरत पयाद ही पाए, ओ कोतल संग जाही दुरियाए। कोतल मानी घोड़े, ये हाथी घोड़े सब साइड से चल रहे हैं, भरत जी पैदल चल रहे हैं। केवल उदाहरण दे रहा हूँ, प्रसंग नहीं सुना रहा हूँ, समझ लेना इस बात को। नहीं, ये कहो महाराज जी, ये प्रसंग कहां से आ गया? कहां से आ गया? जब कारीगर मिस्त्री मकान का निर्माण करता है तो ईमानदारी से बताओ, दीवार को वो ऊंचाई पर ले जाता है, लेकिन बीच में अत्तल कत्तल पत्तल सब डालता है कि नहीं डालता है? अब उससे पूछो ये क्या कर रहा है, तोड़ा तारीफ? अरे वो कहता है जब बन के तैयार हो जाए तब बात करना, बीच में डिस्टर्ब मत करो, हम अपनी सेटिंग बना रहे हैं, तुम्हें इससे क्या मतलब है? हम मिस्त्री हैं, हम निर्माण करने वाले हैं, हम अपने हिसाब से दीवार का निर्माण करेंगे, लेकिन जब उसकी नक्काशी निकालेंगे तब बात करना कि कितनी सुंदर दीवार बनी है, कितनी सुंदर डिजाइन है, कितनी सुंदर नक्काशी है। तो आज मैं प्रसंग को इसलिए कह रहा हूँ कि हम जो करेंगे हमें कहना नहीं पड़ेगा, उसी के अनुसार हमारे सहयोगी समर्थन करने वाले लोग करना शुरू कर देंगे। बोलो भाई, ये चेले लोग हमारे साथ रहते हैं, हम इनको डांटें, फटकारें, लाठी मारें, कहें ऐसा करो, वैसा करो, वैसा करो, तो जबरदस्ती थोड़ी देर करेंगे, फिर बाद में कहें गुरु जी खुद नहीं करते, हम लोगों पर दबाव बनाते हैं। अरे खुद तो करें पहले, हम तो अपने आप ही करेंगे, फिर गुरु जी करते नहीं, लाठी भाजते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, लेकिन खुद करके नहीं बताते हैं। अगर हम करके बताएंगे
तो अपने आप में शर्मिंदगी महसूस हो जाएगी। ये कहेंगे कि गुरुजी ऐसा कर रहे, हम लोगों को धिक्कार है, हम लोग नहीं कर रहे ऐसे। बोलो, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने आप अगर हम 4 बजे उठने लग जाए तो निश्चित रूप से 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, कभी ना कभी इनके हृदय में धक्का लगेगा कि हमें कम से कम 4:30 बजे तो जग ही जाना चाहिए। जब हमारा गुरु 4 बजे जग जाता है तो हमें 4:30 बजे तक हर हालत में जग जाना चाहिए। ओ गुरुजी उठे 9 बजे, ओ चेला से कहें क्यों नाला है 11 बजे तक सोता है। अरे चेला तो सोएगा जिंदगी भर, जब गुरु 9 बजे 10 बजे तक सोएगा। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि स्वयं सुधरो। आचार्य श्री राम शर्मा ने एक बात कही, अपना अपना करो सुधार तभी मिटेगा भ्रष्टाचार। जब व्यक्ति स्वयं सुधर जाएगा तो पूरा समाज सुधर जाएगा। वो व्यक्ति अगर नहीं सुधरेगा तो समाज कभी सुधर नहीं सकता है। इसलिए व्यक्तिगत रूप से अपना अपना सुधार करना चाहिए, अपने आप में परिवर्तन करना चाहिए। तो आओ ध्यान से सुनो, भरत जी ने किसी से नहीं कहा था कि आप सब पैदल चलें। भरत जी स्वयं चल दिए। आपको तो और अयोध्या वासी तो चल रहे थे क्या हाथी घोड़े पर? जितने अयोध्या वासी थे सब बैठ चुके थे हाथी घोड़े पर, सब चल दिए थे। लेकिन भरत जी ने किसी से नहीं कहा उतरो। बोले गवने भरत अरे पया नहीं पाए, ओ कोतल संग जाई डुरियाए, कहे सुसेवक बार ही बारा, होइय नाथ अस असुवारा, होइय नाथ अस असुवारा। ये सेवक कह रहे थे महाराज हाथी पे बैठो, घोड़े पर बैठो, रथ पे बैठो, आपका मन पढ़े, आप जिस पर तमाम साधन है बैठिए। भरत जी बोले हम नहीं बैठेंगे। क्यों? इसलिए कि राम पयाद ही अरे पाए सिधाए, ओ हम कह गजरथ बाज बनाए, सिर भर जाऊं उचित अस मोरा, ओ सबते सेवक धर्म कठोरा, देख स्नेह लोग अनुराग, उतर चले हैं गजरथ। जितने हाथी घोड़े पर बैठे थे अपने आप सब नीचे उतर गए, भरत जी के साथ पैदल चलने लगे। समझ में बात आ गई कि नहीं आई? भरत जी ने किसी से नहीं कहा कि तुम सब हाथी से उतरो, घोड़े से उतरो, रथ से उतरो। स्वयं नहीं बैठे, जो बैठने वाले थे वो सब अपने आप उतर गए। बोलो परिवर्तन हो गया कि नहीं हो गया? इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, ध्यान से सुनो, अपने आप में परिवर्तन करने की जरूरत है। महात्माओं ने कहा प्रार्थना है, राजा जैसा करेगा प्रजा वैसे ही करेगी। अभी आप आदेश दे रहे हैं कि सब श्रम करो, लेकिन दिन दो दिन बाद फिर वैसे ही के वैसे हो जाएंगे। आप स्वयं श्रम करिए। समस्या का समाधान यदि महाराज जनक करना है, मिथिला की समस्या का समाधान, मैं कहता हूं जब सीता जी का जन्म नहीं होगा तो राम विवाह कहां से हो जाएगा, आप जल्दी बताओ। क्यों? सीता जी का जन्म होगा तभी ना राम विवाह होगा। और सीता जी का जन्म कैसे ऐसे थोड़ी होगा कि साधारण में हो जाए? साधारण में नहीं होता है कि तुम केवल एक छंद सुना दो भाई, प्रगट कुमारी घूम बिहारी जनहितकारी, ऐसे थोड़ी कि केवल आरती में तुमने भाई प्रगट कुमारी घूम बिदारी जनहितकारी। ठीक है वो स्तुति है, अलग बात है, लेकिन सीधी सी बात है, कैसे जन्म हुआ? ऐसे नहीं हुआ साधारण। महाराज श्री जनक को, महारानी सुनैना को सोने के सिंहासन से उतरना पड़ा पहले। समझ लो इस बात को, समझ गए हो कि नहीं? ये सोना चांदी वैभव संपत्ति मान प्रतिष्ठा पद, अगर इनका अभिमान जीवन में रहेगा तो कभी सीता जी नहीं मिलेंगे। इस बात को सुन लीजिए, आपको जमीन पर उतरना पड़ेगा, जमीनी हकीकत से जुड़ना पड़ेगा। आप किससे जुड़ना पड़ेगा? देखो सीता जी की कृपा तुम सबके ऊपर है, बोलो है कि नहीं? तुम सब किसान बैठे हो, बोलो एक राजा को किसान बना दिया कि नहीं बना दिया श्री जानकी जी ने? जानकी जी ने एक राजा को किसान बना दिया, का नौकर चाकरों से नहीं, तुम्हें खुद हल चलाना पड़ेगा। ये नौकर ओकर चाकर से काम चलने वाला नहीं, खुद हल चलाओ। सुन लो देश के नौजवानों,
जरा मेहनत करना सीखो और खेती को साधारण मत समझा करो। ये खेती सामान्य साधारण नहीं है। मैं एक बात दावे के साथ कहना चाहता हूँ, न किसी तीर्थ में जाने की जरूरत पड़ेगी, न किसी यज्ञ मंडप में बैठने की जरूरत पड़ेगी। केवल आज का व्यक्ति अगर खेत में मन से हल चला करके खेती करने लगे, जानकी जी की कृपा निश्चित रूप से उसके ऊपर हो जाएगी, इसमें शंका नहीं है। श्री किशोरी जी की कृपा अपने आप, और किशोरी जी की कृपा अगर अपने आप मिल गई तो राम जी की कृपा तो मिलना ही मिलना है। क्यों भाई, अगर जानकी जी ने कृपा कर दी तो राम जी क्या दूर हो जाएंगे? राम जी को तो कृपा अपने आप करनी पड़ेगी, बोलो करनी पड़ेगी कि नहीं? लेकिन सीता जी तब कृपा करेंगी जब तुम खेती से प्यार करोगे। तब किससे प्यार करोगे, जल्दी बोलो? खेती से। और खेती बेच बेच के शहरों में 5-स्टार होटल की तरह मकान बना लो तो याद रखना, ये जितना कोरोना है सब वहीं घुसेगा। ये कोरोना से नहीं बच पाओगे। जितने आलीशान महलों में रहते थे, कोरोना सबसे ज्यादा उन्हीं में घुसा। बोलो घुसा कि नहीं? और सबसे ज्यादा परेशान कोरोना ने किया है तो शहर वालों को किया है। किया है कि नहीं किया है? सबसे ज्यादा मरे हैं कोरोना में एसी वाले। जो खेत खलियान में सोने वाले हैं वो नहीं मरे हैं। हम आपसे बिल्कुल साफ बोल रहे हैं, बिल्कुल साफ बात कह रहे हैं। हमको डर नहीं लगता है बात करने में। क्या दिक्कत की बात, बोलो भाई? संकोच क्या करना? जो खेत खलिहान में सोते थे, जो श्रम करते थे, जो मेहनत करते थे, पसीना बहाते थे, ईमानदारी से बताओ, वो सुरक्षित हो गए? हो गए कि नहीं? और जो आलीशान हवेलियों के अंदर रहते थे, जो 5-स्टार होटल और एसी में रहते थे, जिंदगी जीना मुश्किल पड़ गया उनको। बोलो जिंदगी जीना मुश्किल पड़ गया। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि खेती से प्यार करो। अगर सीता जी की कृपा तुम्हें पानी है तो खेती से प्यार करो। इसको सोने का टुकड़ा समझो अपनी खेती को, इसको मिट्टी का ढेला मत समझो। ये सोने का टुकड़ा है तुम्हारे यहाँ, इसलिए इस खेती से प्रेम किया करो। वृक्षों से और खेती से, दोनों से प्रेम करो। समझ में बात आई कि नहीं? वृक्षों से, खेती से, नदियों से, पर्वतों से यदि तुम प्यार करोगे तो सीताराम जी अपने आप तुमसे प्यार करेंगे। तुम्हें इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो महाराज श्री जनक से कहा कि अगर आप समाधान चाहते हैं, अकाल ना पड़े, समस्या का समाधान हो जाए, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्या इसके लिए आपको स्वयं हल चलाना पड़ेगा? हल चलाइए। महाराज जनक तो बड़े शिष्ट हैं, बहुत सरल हैं। उन्होंने आंखों में आंसू भर के कहा, जरूर चलाएंगे हल, जरूर चलाएंगे। देखो किसी भी जमींदार आदमी को ये नहीं सोचना चाहिए कि नौकर चाकर हैं, हम हल क्यों चलाएं। जब कोई समस्या आ जाए तो विनम्रता से उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। समझ रहे हो कि नहीं? कोई सुझाव यदि मिल दिया जाए तो उसे विनम्रता से स्वीकार करना चाहिए। जनकपुर धाम का राजा बता रहा है आपको, क्योंकि आज हम जनकपुर धाम में बैठे हैं। सीताराम जी का विवाह होने वाला है, शाम को होगा, लेकिन इसके पहले भूमिका बन रही है कि नहीं बन रही है? तो हम सब जनकपुर धाम में बैठे हैं, संदेश लेकर के जाओ आज की कथा से कि कोई भी आदमी हो, चाहे जितना संपन्न क्यों ना हो, अगर समस्या का समाधान चाहता है तो सुझाव को विनम्रता से स्वीकार करना। अकड़ना, मकड़ना, ऐठना से काम नहीं चलेगा। समझ में? अगर ऐठा ऊठी की तो सब गड़बड़ हो जाएगा। इस बात को समझ, विनम्रता से। जनक जी ने आंखों में आंसू भर दिए और हाथ जोड़ करके कहा, सरोधारी है, हम स्वयं हल चलाएंगे। हल तैयार किया गया साहब, स्वयं किसान बन गए। पगड़ी बांधी राजा ने। पुराने जमाने के किसान बोलो पगड़ी बांधते थे कि नहीं बांधते थे? पुराने जमाने के किसान पगड़ी, राजा ने पगड़ी बांधी साहब, हल लेकर के चल दिए। और जैसे ही चलने लगे तो कहा, रुको, अकेले मत जाओ। फिर पति पत्नी दोनों को श्रम करना पड़ेगा। माताओं सुन रही हो, ये नहीं है कि पति चला रहे हल और तुम रबड़ी खाओ घर में बैठी बैठी है। नहीं नहीं, मेहनत तुम्हें भी करनी पड़ेगी। खेती के साथ तुम भी जुड़ो, पति के श्रम के साथ पत्नी को जुड़ना चाहिए। धर्म कहता है अगर शांति चाहिए, सुख चाहिए, समृद्धि चाहिए,
तो पति के मेहनत के साथ श्रम मानी मेहनत, स्पष्टीकरण ले लो, श्रम मानी होता है मेहनत, पति के मेहनत के साथ पत्नी को भी मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करोगी तो तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहेगा, और शरीर स्वस्थ रहेगा तो याद रखना लंबी आयु होगी। बोलो होगी कि नहीं? जब लंबी आयु होगी तो याद रखो ये संसार का आनंद तुम्हें प्राप्त होगा, सबको होगा, होगा कि नहीं होगा? और नहीं तो मेहनत नहीं की, श्रम नहीं किया, केवल रसगुल्ला रसमलाई खाने में जिंदगी चली गई, मेहनत किया नहीं, रोगों ने आक्रमण कर लिया, तो याद रखना जिंदगी भर परेशानी ही परेशानी रहेगी। इसलिए मेहनत से अच्छा और कोई उपाय नहीं है जीवन को स्वस्थ रखने के लिए, मेहनत से अच्छा कोई और उपाय दूसरा नहीं है। मेहनत जरूर करना चाहिए। महात्माओं ने कहा रुको रुको, भी अकेले नहीं है, फिर सुनैना जी को साथ में लेके जाओ। सुनैना जी साथ में रहेंगी और दोनों मिलकर के हल चलाओगे, दोनों मिलकर। सुनैना जी आ गए, सुनैना जी ने भी संतों को प्रणाम किया, अपने पति के साथ सुनैना भी चल दी। एक राजा है एक रानी है, देखो खेती करने के लिए जा रहे हैं, हल चलाने के लिए स्वयं खेत में जा रहे हैं, राजा और रानी। याद रखो इस कथा को, कान खोल करके सुनते जाना, केवल आकाश के तारे मत गिनना दिन में, कि ऊपर देखने लग जाओ क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा है, ये तो जिंदगी भर तुम करते रहोगे। कान खोल करके हमारी बात सुन लेना, ये कीमती शब्द हैं, कीमती बातें हैं, क्योंकि आधा घंटा बाद तो हम चले ही जाएंगे यहां से, बड़ी मुश्किल में आए और दूसरी जगह पहुंचना है, 4 बज रहा है, 4:30 बजे तक मुझे बोलना है, 30 मिनट की बात रह गई है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। जन्म सीता जी का होगा तभी तो राम विवाह होगा, और केवल छंद में जन्म करा दो आराम से, बस छंद कह करके तो ऐसे काम चलने वाला नहीं है। ये तो भाव, हम कहते छंद की भी जरूरत नहीं है, बस यही कह दो, बोलिए जनक नंदिनी की जय, प्रकट हो गए, ऐसे कहने से काम चल जाएगा क्या? इसलिए सुनो, हमें करना क्या पड़ेगा इसके लिए। सुनैना जी महाराज श्री जनक के साथ चल रही हैं, महाराज जनक और महारानी सुनैना ये दोनों खेत में पहुंच गए। सीतामढ़ी वो जगह है मिथिला में, जनकपुर में, बिहार में है, यद्यपि इस समय तो बिहार में है, वो मिथिलांचल ही बोलते हैं उसको, सीतामढ़ी जगह है सीतामढ़ी। और मालूम है आपको, अभी नेपाल जहाँ जनकपुर धाम है वहां से आप चलिए सीतामढ़ी, बहुत दूर पड़ती है, पास में नहीं है, नहीं समझो किलो 2 किलोमीटर है, किलो 2 किलोमीटर तो कोई भी खेती करने चला जाएगा। लोग कहते हैं महाराज क्या बतावे, 30 किलोमीटर की दूरी पर खेती थी इसलिए कर नहीं पाते थे तो बेच दी। तुम्हारे पुरखों ने क्यों नहीं बेची थी, तुमने क्यों बेच दी? महाराज वहां जा नहीं पाते थे, वहां कैसे रहते कैसे करते इसलिए परेशानी थी। मैं एक बात कहता हूँ, और जानवर परेशान, अच्छा कौन जानवर? बोले महाराज गायें बहुत। अरे उस समय तो शेर परेशान करते थे पुराने जमाने में, बोलो शेर, जब शेर दहाड़ते थे तब किसान खेती करता था कि नहीं करता था, बोलो जल्दी। इस समय तो गायों की समस्या तुम बता रहे हो, उस समय शेरों की समस्या थी, लेकिन शेरों की दहाड़ के बीच में भी किसान ने खेती की है। शेर तुम्हारी फसल नहीं खाता है, शेर इंसान को खाता है। वो कहता है किसान अगर खेती करने गया तो मैं तुझे खा लूंगा, किसान कहता है मैं मरने के लिए तैयार हूँ, जब तक जिंदा हूँ खेती करना बंद नहीं करूंगा, मुझे खेती से प्यार है मैं खेती करूंगा। शेर को नहीं डरते थे, समस्या समस्या है, केवल आलसी प्रमादी लोग समस्या बताते हैं, समझ गए हो कि नहीं? जो आलसी और प्रमादी होते हैं वो समस्या। यद्यपि अब पशुओं पर नियंत्रण किया जा रहा है, ऐसी बात नहीं है, समस्या के समाधान के लिए तमाम प्रकार के उपाय निकाले जा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन प्रमादी बनकर के हर बार समस्या समस्या केवल बताते रहो, समाधान की भी चर्चा किया करो। सीधी सी बात है, समाधान की चर्चा किया करो। तो आइए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कहाँ जनकपुर से चले और सीतामढ़ी पहुंचे, आप समझ लीजिए, आप सीतामढ़ी 2100 किलोमीटर की दूरी है जनकपुर से, आप सीतामढ़ी आइए, महाराज को वहां आना पड़ा हल चलाने के लिए,
और जैसे ही महाराज जनक ओ महारानी सुने ना, अच्छा एक बात और बताओ, क्या किसी रथ में हल को रख के लाए होंगे? जल्दी बोलो, रथ में रख के तो नहीं लाए होंगे, हल को के रथ में रखो तो ले चलो। जिस तरह से हल जाता है खेत में, उसी विधा से महाराज जनक को महारानी सुनैना को जाना पड़ा। इसको कहते हैं तपस्या। इसको क्या कहते हैं? तपस्या। श्रम एक तपस्या है, इसका मतलब है उन्होंने तपस्या की है। अब बताओ, सीता जी सहज में तो नहीं मिल रही है? वेदांत की दृष्टि में सीता जी शांति, सीता समानीता आत्मा रामो विराजते, सीता जी शांति है। जैसे भक्तों से पूछा जाए तो सीता जी भक्ति है भक्तों की दृष्टि में, ज्ञानियों से पूछा जाए तो वो कहते मुक्ति है, लेकिन वेदांतियों से पूछा जाए वो कहते शांति है। चलो भाई शांति है, शांति तुम्हें सबको चाहिए कि नहीं चाहिए? सबको शांति चाहिए, तो शांति चाहिए इसके लिए तपस्या करनी पड़ेगी। और सबसे सरल तपस्या यदि है तुम्हारे जीवन में शांति प्राप्त करने के लिए, वो है श्रम। वो क्या है? श्रम है। इसलिए महाराज चले, जिस तरह से किसान खेत में चलता है हल लेकर के, खेत की ओर जाता हल लेकर के, वैसे ही महाराज जनक और महारानी सुनैना दोनों चले। महात्माओं ने बताया, सुझाव को मान लिया, और जैसे ही खेत में पहुंचे, हल रखा खेत में और हल चलाया, ये तपस्या शुरू हो रही है पहले। और जैसे ही दोनों ने, महाराज जनक ने महारानी सुनैना ने हल को चलाया, ये तपस्या होती गई होती गई होती गई। और जैसे ही दोनों के शरीर से पसीना निकला, समझते जाना इस बात को, जैसे ही हल चलाते 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 चलाते, सुकुमार राजा सुकुमारी है महारानी जी, लेकिन हल चलाते 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 जिस समय शरीर थक गया, शरीर से पसीना गिरने लगा, वही पसीना आंसू बन गया, प्यारे धरती पर गिरा, वो हल्का फल घट से टकराया, उसी घट से शांति रूपी सीता प्रकट हो गई। बोलिए जनक नंदिनी की, जानकी जी का उसी समय प्रादुर्भाव हो गया। ये तुम्हारा पसीना आंसुओं की तरह है प्यारे, जब खेत में तुम्हारा पसीना गिरता है तो धरती उस समय सोचती है, विचार करना पड़ता है। बोलो, ये तपस्या है, ये पसीना नहीं है, ये आंसू है। वो आंसू जब धरती पर गिर जाते हैं तो धरती माँ को सोचना पड़ता है। इसलिए मेहनत किया करो, परिश्रम किया करो, श्रम से ही सीता जी की कृपा होगी, और सीता जी की कृपा होगी तो राम जी की कृपा अपने आप हो जाएगी। अब मैंने कल बताया था, 6 साल की उम्र हो गई, 6 साल की उम्र में विवाह का निर्णय लिया। अभी नीलम गायत्री जी ने अपने प्रसंग में आपको बताया सुनाया, बहुत से गीत मिथिला के सुनाए, अच्छे अच्छे गीत। देखो भैया, हमको ज्यादा गीत याद नहीं है, सही बात है, हमने कभी कोशिश भी नहीं की, ना मैंने कभी गाए ज्यादा गीत, लेकिन हाँ मिथिला के गीत हैं बहुत अच्छे और विद्वान लोग गाते हैं। श्रीमन नारायण जी तो बहुत ही अच्छे गीत गाते थे, स्पेशलिस्ट थे वो। वो मामा जी के नाम से पूरे संसार में फेमस हो गए साथ, और उन कैसा तो मिथिला पक्ष का वर्णन करने वाला संत अद्वितीय, क्यों भाई? और ऐसे ऐसे गीत, वो तो स्वरचित गीत थे उनके, उन्होंने वो वास्तव में इतना अनुराग था उनको मिथिला की भूमि से, कि मुझे तो ऐसा लगता है कि साक्षात श्री किशोरी जी ने उनको दर्शन दिया है प्यारे, ऐसे महापुरुष थे वो श्रीमन नारायण जी। तो मिथिला के गीतों का तो भंडार था उनके पास, और वही प्रसाद जो है पूरे देश के मिथिला पक्ष के वक्ता जितने हैं, उन्होंने वही प्रसाद थोड़े रूप में लिया है। और क्या कहना, हमने तो किला पर देखा है कि एक और किलाधीश जी महाराज, दूसरी ओर श्रीमन नारायण जी, और जिस समय किलाधीश जी अयोध्या का पक्ष रखते थे और श्रीमन नारायण जी मिथिला का पक्ष, इतना अद्भुत आनंद आता था कि वो आनंद तो अब मुश्किल ही है, भगवान कब ऐसा स्वर्णिम अवसर दिलाएंगे, क्योंकि महापुरुष तो चले गए ना, किलाधीश जी भी चले गए और श्रीमन नारायण जी भी चले गए, ये दोनों अद्वितीय थे, महापुरुष थे, स्तंभ थे सनातन संस्कृति के साथ। लेकिन चलिए, खैर जो भी परंपरा का निर्वाह चल रहा है, उन्हीं महापुरुषों की पूर्वाचार्य सहायक की परंपरा में हम लोग रहते हैं, तो आइए सुनिए। 6 वर्ष की अवस्था में विवाह का निर्णय, लेकिन समस्या आई, समाधान भगवान राम ने किया, किया कि नहीं किया? क्यों भगवान श्री राम बिना निमंत्रण के गए? क्यों गए? विश्वामित्र जी महाराज ने कहा तो विश्वामित्र जी लेके पहुंच गए, लेकिन मैंने स्पष्टीकरण दिया था, सम्मंचन्ते मंचिक सुंदर विशद विशाल और मुनि समेत तह बंद दो बैठा रे
महीपाल। भगवान श्री राम को विशेष आसन मानी विशिष्ट आसन पर महाराज श्री जनक ने बिठाया। अच्छा, जब जनक जी ने आसन पर बिठा दिया और दर्शन किया राम का, तो तुलसीदास जी कहते हैं, जनक जात अब लो कहीं कैसे, ओ सजन सगे प्रिय लागे जैसे। जनक जी महाराज देख रहे हैं, बोले ये तो दामाद बैठे हैं। कौन बैठे हैं? दामाद बैठे हैं। याद रखना, मिथिलावासी कह रहे बर सांवरो जानकी जोगू, मिथिलावासी भी कह रहे बर सांवरो जानकी जोगू। महाराज जनक कह रहे ये सजन सगे प्रिय लागे जैसे। इससे सिद्ध हो गया कि महाराज श्री जनक ने पूर्ण ब्रह्म के रूप में श्री राम का दर्शन किया है मिथिला में, क्योंकि आदि शक्ति वर्णन करेंगी। और वास्तव में ये सत्य तो है कि ये 10,000 राजा जितने आए थे अभिमानी थे। क्या थे? अभिमानी। अभिमानियों के मान का मर्दन करना था भगवान राम को। सुनो मेरी बात को, रावण जैसा अभिमानी बाहुबली जो कहता था कि मैं चलता हूं तो पृथ्वी कांपती है, मैं बोलता हूं तो पतझड़ हो जाता है, और मैं वायु के वेग को रोक देता हूं, मैं वरुण को अपने बंधन में बांध लिया है, यम को भी मैंने अपने वश में कर लिया है, काल को मैंने अपने वश में कर लिया है, ये अभिमान की बात करता था रावण की नहीं करता था? लेकिन ईमानदारी से बताओ, जिसके जीवन में अभिमान आया जिन जिन पॉइंटों पर, जरा ध्यान से सुनना। अभिमान ताड़का के जीवन में आया, ताड़का मरी। मारी सुबाहु के जीवन में अभिमान आया, मारी चला गया समुद्र के उस पार, सुबाहु मर गया, अभिमान आया। बोलो भाई, धनुष रखा है लेकिन 10,000 राजा, 10,000 राजा धनुष को तोड़ने के लिए बैठे, अभिमान लिए बैठे कि हम ही तोड़ेंगे, नहीं तोड़ेंगे तो सीता जी को जबरदस्ती ले जाएंगे। तुलसीदास जी कहते हैं, धनुष भी अकड़ा मकड़ा रखा है क्योंकि अहंकार सुबुद्धज मनुष्यचित्त महान। बोले ये अहंकार का प्रतीक धनुष से भी अकड़ा मकड़ा बैठा है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जहाँ जहाँ अभिमान का बाली के जीवन में अभिमान आया, ईमानदारी से बताओ किसने मारा बाली को? जल्दी बोलो, राम जी ने मारा कि नहीं? धनुष को किसने तोड़ा? राम जी ने तोड़ा। बाली को किसने मारा? बोले राम जी ने मारा। रावण को किसने मारा? राम जी ने मारा। बोलो मारा कि नहीं मारा? राक्षसों को किसने मारा? बोले राम जी के नेतृत्व में मारे गए। अभिमानियों, अभिमान जहां जहां होगा वहां भगवान को आना ही पड़ेगा। तो मैं तो एक भाव ये भी कहता हूँ कि जनक की तपस्या से आए, जनक सुकृत मूरत वैदेही दशरथ सुकृत राम धर देही, जनक जी की तपस्या से राम जी जनकपुर में आए। लेकिन जो 10,000 अभिमानी अभिमान लेकर के एकत्रित हुए थे, उनके मान का मर्दन करने के लिए भी राम जी पहुंचे हैं। याद रखना, अभिमानियों के यहाँ निमंत्रण की जरूरत नहीं पड़ती, भगवान बिना निमंत्रण के पहुंच जाता है कि चलो आज हम भूखे हैं, तुम सबको खाने आए। आहार है अभिमान, क्या है भगवान का? आहार है। भगवान अभिमानियों के अभिमान को खा जाते हैं, सीधी सी बात यह है। तो आज 10,000 राजा बैठे हैं, भगवान राम उनके अभिमान को नष्ट करने के लिए, उनके मान का मर्दन करने के लिए मिथिला में पहुंच गए। जनक जी महाराज को विश्वास हो गया कि धनुष तो टूटेगा ही टूटेगा, पक्की बात है। अब राजा सब बैठे हैं, पराजित हो गए, नहीं तोड़ पाए। भगवान राम से विश्वामित्र जी ने कहा कि अब देर करने की जरूरत नहीं, जल्दी धनुष के पास जाओ। जब राम जी धनुष के पास पहुंचे, तो अभी आपने सुना होगा या नहीं सुना होगा, हम अपनी विधा से सुना रहे, धनुष दाहिन दियो पिनाक तो समेट के भयो मना, छोटा हो गया। और छोटा हुआ तो राजाओं ने कहा कि तो देखते ही छोटा हो गया, देखते ही छोटा, हम लोग जाते थे तो बढ़ता था, और ये राजकुमार गया तो छोटा हो गया, अपने आप ही छोटा हो गया। इसका मतलब है इसमें जादू है, इसमें जादू है। ये राजकुमार जरूर है, छोटा है, लेकिन जादू है, पहुंचते ही छोटा हो गया। अच्छा, एक बात बताएं आपको, जैसे ही छोटा हुआ, राम जी ने कहा समझ में आ गया तुम्हारे कि नहीं धनुष? क्या हम किसी को तोड़ते नहीं है, लेकिन तुमने सुना होगा गुरुदेव ने कहा उठो राम भंजो भव चापा मेटो उतार जनक परितापा, तो गुरु जी की आज्ञा है इसलिए हम तुम्हें तोड़ेंगे। धनुष बोला हम भी इंतजार कर रहे थे कि आप ही के हाथ से हम टूटे, हम भी यही इंतजार कर रहे थे। अगर टूटना होता हमें
तो ये 10,000 राजा जो है आए तोड़ने के लिए, हम टूटे ना, हिले ना डुले ना टूटे। ये पक्की बात है कि आपको देखकर छोटे भी हो गए और आपको देखकर के मेरे मन में ये आ गया कि आज धनुष तेरा दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल गया। क्यों? सारी दुनिया यज्ञ के माध्यम से भगवान के पास पहुंचती है, मंदिर के निर्माण कराने के माध्यम से भगवान तक पहुंचती है, कोई लोग तीर्थाटन करके भगवान तक पहुंचते हैं, लेकिन आज मैं समझ गया कि धनुष तेरा दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल गया कि तुझे भगवान के पास नहीं जाना पड़ा, भगवान ही तेरे पास स्वयं चल के आ गया। तो आज मैं महसूस कर रहा हूँ कि भगवान मेरे सामने खड़ा है। अब भगवान है आप, और मैं चाहता ये हूँ कि भगवान का दर्शन कर रहा हूँ और भगवान तोड़ने के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं, इससे और अच्छी बात क्या होगी कि मैं भगवान के हाथ में चला जाऊं। बोलो भाई, भगवान के हाथ में। अच्छा बोलो, कोई व्यक्ति मरने जा रहा हो, किसके हाथ में ठीक रहता है? पुत्र के हाथ में कि पत्नी के हाथ में कि परमात्मा के हाथ में? जल्दी बोलो। हाँ, सबने एक ही स्वर में कहा परमात्मा के हाथ में। पत्नी पत्नी जिंदगी भर चिल्लाओ, लेकिन मरते समय तुम समझ जाते हो कि पत्नी साथ तो जाएगी नहीं, या पहले चली गई वो अलग बात है, और चली गई है तो तुम वहां नहीं पहुंचोगे जहां वो गई है, ये पक्की बात है। तुम्हें भी पक्का विश्वास है कि जहां वो गई है वहां? ये तो झूठी बात करते लोग के साथ, पत्नी पहले पहुंच गई फिर बाद में वो गया उसके पास। तुमने देखा क्या उसके पास गया? वो पत्नी अपने कर्मानुसार कहीं गई होगी किसी योनि में, तुम अपने कर्मानुसार अपनी योनि में जाओगे। बोलो भाई, ये तो सांसारिक बंधन में बंधे हो, यहीं तक का खेल है बस केवल लोक जगत का। लेकिन सत्य यह है कि जब व्यक्ति मरने लगता है तो ये कहता है कि राम शब्द मुख से निकल जाए, और राम शब्द निकल जाएगा तो निश्चित है राम धाम में जगह मिल जाएगी। लेकिन परमात्मा आ जाए मृत्यु के समय और अपने हाथ में ले ले, इससे बड़ा सौभाग्य और दूसरा हो नहीं सकता। बोलो भाई, ये सौभाग्य केवल दो को मिला है, जड़ में मिला है धनुष को और चैतन में मिला है जटायु, समझ लेना। ये दो को सौभाग्य मिला है, तीसरे को नहीं मिल पाया। मैं बहुत स्पष्ट बोल रहा हूँ, एक बार फिर सुन लो। जड़ में किसे मिला सौभाग्य? धनुष को। और चैतन में किसको मिला सौभाग्य? जटायु को। गीद को गोद में राखी दयानिधि, तो गोद का अर्थ हाथों से उठाया होगा तब ना गोद में रखा होगा। गीद को गोद में राखी दयानिधि, नैन सरोजन में भरवारी, बारही बार समारत पंख, जटायु की धूल जटान सो झारी, जल भरी नयन कहत रघुराई, ओ तात करम तेन जी गति पाई, अविरल भगति मांगवर गीद गयो हरिधाम, ओ तही की क्रिया जथोचित निज कर कीनी राम। ईमानदारी से बताओ, हाथ से उठाया गोद में रखा, वो अपने हाथ से अंतिम क्रिया की है, यह है जटायु। और बोलो भाई, भगवान ने अपने हाथ से उठाया तोड़ा और चरणों में डाला, ये है धनुष। बोलो है धनुष कि नहीं? ये सौभाग्य मिला तो दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है कि जब परमात्मा आ जाता है। और दोनों के माध्यम में जानकी जी बनी, धनुष के उद्धार में भी जानकी जी बनी माध्यम, और जटायु के उद्धार में भी जानकी जी माध्यम बनी है। प्यारे बोलो, सीता जी की कृपा दोनों के ऊपर हुई कि नहीं? सीता जी ने कृपा की है जटायु के ऊपर, और सीता जी ने ही कृपा की है धनुष के ऊपर। इसलिए जनक सुता जग जननी जानकी, ओ अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनावो, ओ जासु कृपा निर्मल मति पावो। कृपा हो जाए तो मति निर्मल हो जाएगा। अब सुनो जरा, बहुत महत्वपूर्ण बात फिर आगे आने वाली है, तुम तो सुनते जाओ क्योंकि अभी हमारी घड़ी में 15 मिनट और रह गए। कितने मिनट रह गए? 15। एक एक मिनट की कीमत है ना। अच्छा, इसमें हमारा क्या दोष है कि घड़ी का दोष है कि समय का? वो तो समय अपनी गति से चलेगा, क्यों चलेगा कि नहीं चलेगा,
और तुम लोग भी सुन रहे हो, हम देख रहे हैं कि तुम्हारे मन की एकाग्रता है, सब बिल्कुल सब मन को एकाग्र किए हैं और ऐसा महसूस भी कर रहे हो कि जनकपुर में बैठे हो। बोलो, महसूस कर रहे हो कि नहीं, कहाँ बैठे हो? जनकपुर में बैठे हो, ऐसा महसूस हो रहा है। सबके मन में एक ही बात आ रही है कि हम मिथिला में बैठे हैं और जो घटना घट रही है या जो क्रम चल रहा है वो मिथिला में यही चल रहा है, ऐसा महसूस कर रहे हो कि यही चल रहा है। बोलो, ये भी महसूस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? और हम तो कह रहे हैं तो हमें तो महसूस हो रहा है, पूरा पूरा हमें महसूस हो रहा है, क्योंकि हम तो कह रहे हैं भाई भोजन बनाने वाले ये हैं। जब भोजन बनाती हैं तो इन्हें तो पता ही चल ही जाता है कि इतनी मेहनत पड़ रही है, लेकिन खाने वाला भी कहता है अच्छा बनाया, बहुत अच्छा लगा, वाह आनंद आया है। तो खाने वाला हम तो बनाने वाले हैं, परोसने वाले हैं, पाने वाले तो तुम हो। बोलो, प्रसंग को ग्रहण कौन कर रहे हो? तुम लोग कर रहे हो, हम बना रहे हैं और परोस भी रहे हैं। बोलो, परोस रहे हैं कि नहीं? लेकिन ग्रहण कौन कर रहे हो? तुम सब कर रहे हो जितने बैठे हो। तो जानकी जी की कृपा दोनों के ऊपर हो गई, धनुष के ऊपर भी हुई जड़ के ऊपर और चैतन्य जटायु के ऊपर भी जानकी जी की कृपा हुई है। और बोलो, जानकी जी की कृपा से ही दोनों को भगवान ने हाथ में लिया कि नहीं लिया? जानकी जी कृपा ना करती तो धनुष के पास पहुंचते क्या राम जी? काय को जाते? बोलो, जानकी जी की वजह से गए कि नहीं गए? जानकी जी की कृपा करनी थी ना। जैसे पहुंचे भगवान ने कहा तो ठीक है, गुरुदेव की आज्ञा है इसलिए मैं आ गया हूं और उठाऊंगा तोड़ूंगा, लेकिन एक वचन देता हूं। धनुष बोला, क्या वचन है? बोले, वचन में ये दे रहा हूं कि अगर मैंने तुम्हें तोड़ दिया। अरे धनुष कहता अगर मगर मत लगाओ, इसमें तो गड़बड़ी है। जैसे अगर किसी बात में लग जाए, अगर मगर किंतु परंतु जहां वहां, बस समझ लो गड़बड़ है। अगर नहीं, कन्फर्म है कि आप ही को तोड़ना है, अगर मत लगाओ। कन्फर्म है कि आपको ही तोड़ना है और मैं आप ही के इंतजार में अभी तक सुरक्षित था और आपसे ही टूटूंगा। भगवान ने कहा तो मैं वचन दे रहा हूं, क्या? कि जैसे ही तोड़ूंगा और सीधा बैकुंठ भेज दूंगा। बैकुंठ कहां भेजूंगा? बैकुंठ। धनुष ने कहा कि प्रभु, विशेषता तो है ताड़का मरी सीधी चली गई बैकुंठ, ये तो प्रमाण मिला ही है। लेकिन प्रभु, ताड़का मरी बैकुंठ चली गई, लेकिन अहिल्या तरी वो नहीं गई बैकुंठ। भगवान बोले, कहां गई वो? कहे, वो गई पतिलोक आनंद भरी। भगवान बोले, हम तो बैकुंठ ही भेज रहे थे, लेकिन बार बार कह रही थी कि मेरा पति जहां हो वहां भेज दो, मेरा पति जहां हो वहां भेज दो, इसलिए उसने कहा। तो मैंने गौतम ऋषि के पास भेज दिया, डिमांड पर भेजा, डिमांड पर। तो तुम भी अपनी डिमांड बता दो, हम वही भेजते हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई। डिमांड हम पूरी करते हैं, भक्तों की डिमांड पूरी करते हैं। तुम अपनी डिमांड बता दो, हम तुम्हारी डिमांड पूरी कर दें। बोलो, डिमांड क्या है? धनुष बोला, मेरी डिमांड सुन लो। क्या? अच्छा सही बताओ, भगवान ने अहिल्या को डिमांड पर भेजा कि नहीं भेजा? डिमांड की उसने कहा, कहे जहां मेरा पति है, जो अति मन सोबर पावा गई पति लोग आनंद भरी। भगवान ने कहा कि तुम्हारी डिमांड है कि पति के चरणों में जाना चाहती हो, जाओ। मैं कहता हूँ माताओं बहन बेटियों, इससे सिद्ध होता है कि बैकुंठ से भी महान होता है पति का चरण, इसलिए पति के चरण से महान बैकुंठ भी नहीं होता है। क्योंकि अहिल्या जी ने कहा, मुझे बैकुंठ नहीं चाहिए, मुझे तो मेरा पति जहां हो वहां भेज दो। जितने भी मठ मंदिरों की चौकते हैं तुम जाती हो तो यही डिमांड करती हो कि नहीं करती हो? कि मेरा सिंदूर अमर रहे। बोलो, सबसे पहले मैं एक बात हमेशा कहा करता हूं, कोई भी नारी समाज की होगी वो पुत्र के लिए वरदान बाद में मांगती है, पहले अपने सुहाग के लिए मांगती है। बोलो, यही बात सत्य है कि नहीं? संतान के लिए बाद में चाहे दीर्घायु होने की कामना करे, चाहे सर्विस की, नौकरी किसी की, लेकिन सबसे पहले अपने सिंदूर की बात करती है कि हमारा सिंदूर सुरक्षित रहे। इससे सिद्ध होता है कि वो जानती है कि मेरा पति अगर जिंदा है तो स्वर्ग की बात छोड़ो, वो तो बैकुंठ का अनुभव हमें होता रहेगा, क्योंकि पति के चरणों में सब कुछ है। इसलिए एक ही धर्म, एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। बस इतना ध्यान जरूर रखना है कि अगर पत्नी पति के चरणों को बैकुंठ मानती है तो पति को भी चाहिए कि वो बैकुंठाधिपति से जुड़ा रहे। समझ गए हो कि नहीं? वो बैकुंठाधिपति से जुड़ा रहे, पति कहीं जलंधर न बन जाए। जलंधर जैसे राक्षस बनोगे तो याद रखना, भगवान नारायण को स्वयं आना पड़ेगा मारने के लिए, याद रखना। तो 2 मिनट में तुम्हारा सब कुछ गायब हो जाएगा।
इसलिए सावधानी से सुनना, भगवान के चरणों में सदा जुड़े रहो। पूरा जीवन तुमको कहाँ अर्पण करना है? भगवान के चरणारविंदों में। इसलिए भगवान के बन के रहो। आओ एक बात सुन लो, अंतिम बात है ये, क्योंकि 7 मिनट 5 मिनट बचे हैं, 6 मिनट 23 तो हो ही गए हैं, 4:23। इन्होंने कहा था रामायणी जी ने कि 4:30-5:30, तो 4:30 तक मानी कीर्तन हो जाएगा, क्योंकि अगर लेट करेंगे तो सब सिस्टम लेट हो जाएगा। और तुम लोगों के जैसा थोड़ी राम जी का विवाह है, तुम लोग लेट करते रहते हो ना शादी विवाह में। मुहूर्त के हिसाब से सब काम होना चाहिए। किसके हिसाब से होना चाहिए? मुहूर्त के हिसाब से। इसलिए मुहूर्त के हिसाब से ही काम होगा। जो सुनिश्चित मुहूर्त है विवाह का, उसी के अनुसार सब होगा। लेट वेट की जरूरत नहीं है। तुम लोग तो लेट ही करते रहते हो, नांगड़ा भाखड़ा दिल दिल घोड़ी नचाते रहते हो, पता नहीं, समझ में नहीं आता है। उसी में सारा समय चला जाता है। बोलो चला जाता है कि उस एक बार हम क्या बताएं रामायणी जी, हम दिल्ली विवाह में हमको निमंत्रण दिया, वहाँ कथा चल रही थी, तो वो पंजाबी परिवार था तो आया, पैर पकड़ लिया, बोले महाराज थोड़ा सा आशीर्वाद देने के लिए। हमने काम शादियों में जाते नहीं। बोले महाराज दिल्ली में आपकी कथा हो रही, इसलिए तो हमें मौका मिल गया है। चेले लोग बोले महाराज चले चलो, जब कथा के बाद, कथा 7 बजे समाप्त होगी और 10 बजे 9 बजे इसके यहाँ जाना है, कोई दिक्कत नहीं। चले गए भैया, पहुँचे, हम पहुँचे, भीड़ बहुत थी वहाँ। भीड़ के साथ साथ हम आपको क्या बताएं, पूरा अमेरिका इकट्ठा हो गया हुआ। अमेरिका मानी पाश्चात कल्चर, सीधी सीवा अमेरिका का मतलब समझे, पाश्चात कल्चर। जैसे पाश्चात कल्चर देखा पूरा माहौल, तो पहले तो हम ये समझे कि टेंट पंडाल है सब, क्या बेटा, क्योंकि कपड़े उड़ रहे हैं, पता नहीं किस तरह का नाच गाना। ये हमने कहा ये पंडाल है क्या, हम तितलियां देख रहे हैं क्या, हम क्या देख रहे हैं? बोले महाराज चुप रहो, कहीं नहीं देखना है, आप तो उसे देखो जिसे आशीर्वाद देने जा रहे हैं। चलो हम चले भाई। जैसे ही हम पहुंचे, मैं सत्य कहता हूं आपसे, नाच गानों में सब मस्त थे, और कुछ अलग से लगाए भी थे, कुछ पीते भी हैं, क्या पीते हैं पता नहीं, वो तो पिए थे। और जैसे हम पहुंचे तो सत्य कह रहा हूं आपसे, पैर छूने के लिए लोग दौड़े, तो बदबू के मारे एक तो हम मरे, सही बात बता रहे हैं आपको। दूसरी बात अब क्या करें, जबरदस्ती फंस गए भीड़ में, तो कहे हटो खुश रहो, हटो खुश रहो, हटो खुश रहो, हटो खुश, बस इतना ही आशीर्वाद दिया हमने, हटो खुश रहो, हटो खुश रहो। एक आया प्रणाम किया, हमने कहा हटो खुश रहो, तो वो भी कहता है तुम भी हटो खुश रहो। अरे हमने कहा अब तो और ही गड़बड़ हो गया, चलो भागे, हो गया आशीर्वाद, आशीर्वाद यही पूरा हो गया। ये तो कहने का मतलब मेरा ये है कि माहौल खराब हो जाता है, लेकिन यहाँ सीताराम जी का विवाह है, समय से होगा, समय से सब कार्यक्रम होंगे। तो आओ ध्यान से सुनो, धनुष ने कहा आप सुन लो भी एक बात हमारी प्रभु, क्या आप कहते हो कि डिमांड, तो आपने तो यही ना सोचा है कि मैं तोड़ने के बाद बैकुंठ भेज दूंगा। भगवान ने कहा मैंने तो यही सोचा कि तोड़ने के बाद मैं बैकुंठ भेजूंगा, लेकिन मेरी डिमांड सुन लीजिए, आप बैकुंठ में क्यों भेजते हैं? भगवान ने कहा इसलिए कि मुक्ति मिलती है, मुक्ति तो बैकुंठ में मुक्ति रहती है। कहां बैकुंठ में मुक्ति रहती है? बैकुंठ में मुक्ति कौन से पॉइंट पर रहती, जगह पर रहती है, बताओ। भगवान ने कहा मेरे चरण में रहती, मेरे चरण में, क्योंकि बैकुंठ में मैं रहता हूँ, मेरे चरण में मुक्ति। अच्छा सही बताओ, मुक्ति चाहिए तो भगवान के चरण में मिलेगी कि नहीं मिलेगी? क्या मिलेगी? मुक्ति भगवान के चरण। इसलिए तुम लोग ईमानदारी से बताओ, चरणोदक लेते हो कि नहीं लेते हो? मंदिर में जाते हो पुजारी से क्या कहते हो? अगर लड्डू पेड़ा देता है तो कहते हो ये बाद में देना, पहले चरणोदक दो। क्यों? पहली डिमांड क्या रहती है? चरणोदक। क्यों? मुक्ति चाहिए तुम्हें, और मुक्ति कहाँ है? भगवान के चरण में है। तो धनुष कहता है प्रभु क्षमा करना मुझे, अगर मुक्ति आपके चरण में रहती है तो आप बैकुंठ छोड़ के मिथिला में आए कि नहीं आए? भगवान बोले हाँ आए तो है, तो मुक्ति को वहीं छोड़ के चले आए क्या, बिना ही चरण के आए? चरण लेके ही आए आप, क्योंकि आपने अहिल्या के ऊपर चरण रखा। बोलो रखा कि नहीं? चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर, आपने अहिल्या के ऊपर चरण रखा। लेकिन सरकार जब तक रज नहीं डाली तब तक मुक्ति नहीं मिली उसे, लेकिन चरण रज जैसे ही आपने डाली तो मुक्ति मिल गई। इसका मतलब यह है कि आप चरण लेके आए हैं, और चरण लेके आए हैं तो इन्हीं चरणों में मुक्ति है। अब बैकुंठ तो मुक्ति से खाली, अब क्या करेंगे वहां जाके फालतू?
क्योंकि बैकुंठ अधिपति आ गया और चरण लेके आया और चरण में मुक्ति है तो मुक्ति भी मिथिला में लेके आया है और प्रमाण अभी ताजा ताजा मिला है कि मुक्ति अहिल्या को मिली है चरण रखने से। भगवान ने कहा तो चाहते क्या हो, धनुष कहता है बस यही चाहता हूँ कि मुझे दोनों की कृपा चाहिए, मुझे सीता राम की कृपा चाहिए, तो आप कृपा करके मुझे तोड़ दें और दो भाग मेरे कर दें, तो एक भाग श्री किशोरी जी के चरण में, दूसरा भाग आपके चरण में, क्योंकि आपके चरण में मुक्ति रहती है और सीता माता के चरण में भक्ति रहती है, तो मुक्ति भक्ति दोनों मिथिला में मुझे मिल जाएंगे, मेरा उद्धार हो जाएगा। तो प्यारे आज सीता राम जी के विवाह में मुक्ति और भक्ति दोनों ही मिलेंगे, भक्ति भी मिलेगी और मुक्ति रजिस्ट्रेशन हो रहा है, मुक्ति भक्ति का याद रखना, सिग्नेचर करके मैं जा रहा हूँ, मुक्ति भक्ति का रजिस्ट्रेशन, ये महत्वपूर्ण महामहोत्सव है, इसलिए मैं हृदय से आशीर्वाद देता हूँ और आप सबकी मंगल कामना करता हूँ। और 4:30 बज चुका है, सिय रघुवीर विवाह जे सप्रेम गावही सुनही तिन कह सदा उछा है मंगलायतन राम जस। सीताराम विवाह महोत्सव की जितने भी क्षेत्र के लोग आए हैं, मैं सभी को अनंत अनंत शुभकामनाएं मंगल कामनाएं प्रदान करता हूं इस मंच से, और अपनी वाणी को श्री केसरी सरकार के हनुमान जी के चरणारविंदों में समर्पित करता हूँ, सीताराम जी के चरणारविंदों में समर्पित करता हूँ, और आप सभी भक्तों को हृदय से साधुवाद देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ, सभी का मंगल होगा, कल्याण होगा। आओ अब दो बार भगवान का नाम ले लो और फिर रामायण जी आरती कराएंगे, आरती के बाद फिर जैसी मंगलमयी परंपरा उसका निर्वाह होगा। सीताराम 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 श्री सीता नाथ भगवान की, मिथिला धाम की, अयोध्या धाम की, चित्रकूट धाम की, संत भगवान की, भक्त और भगवान की, सीताराम विवाह महोत्सव की, केसरी सरकार की, आज के आनंद की, जय जय सीताराम।